हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग जैसा कि थंबनेल देख पा रहे होंगे, ठीक है, थंबनेल देखिए एकदम से चौंक गए होंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कुछ सूचना के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे कोई सूचना मिलती है तुरंत आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इसमें अब आप लोगों को हकीकत लगती है कि नहीं लगती वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा कहना है और मेरा मानना है सिर्फ आप लोगों को सूचना देना, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको अच्छा लगता है मेरी सूचना को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको लगता है, ठीक है। जिसको नहीं लगता है वो वीडियो ना देखें, और क्या नाम, जरूरी भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस मानसिकता से देखता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सूचना क्या है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यूपी पुलिस नई भर्ती 40,000 पद से ज्यादा आने वाली है, ठीक है। कितने पद आएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्या, कौन कौन ऑनलाइन कर पाएगा फॉर्म, कैसे क्या, सारी चीजें, सारा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और खुशखबरी है, आप तैयार हो जाओ, इस महीने आएगी कौन कौन भर पाएगा फॉर्म, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ पुरानी यादें आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग मतलब अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कैसा है, जो पुरानी कुछ सूचना है उसके तरीके से भी आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग बस सिर्फ क्या कहते हैं ना, कोई भी चीज हो तुरंत अगर हो जाती है तो हमें हकीकत लगती है। जब कोई चीज डिले होती है ना तो उसमें हमारा विश्वास टूट जाता है। ऐसे आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब चीजें लगती हैं आने वाली हैं उसके बाद कुछ समय लग जाता, नहीं आता, शांत माहौल हो जाता है, तब हमें एक बार एक प्रकार ऐसा लगता है कि शायद होगा नहीं कुछ आगे, है ना। ऐसा लगता है जैसे हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा पेपर मुझे मालूम है 2 महीने बाद लगा तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करता रहूंगा, और जब पता ही नहीं पेपर कब है और भले ही अचानक अगले महीने पेपर लग जाए लेकिन मैं तैयारी अच्छे से नहीं करूंगा, ये रियल बात है, ठीक है। उससे पहले कुछ सूचना है आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यूपी पुलिस नई भर्ती को लेकर 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद लगभग 40,000 की नई भर्तियां फिर से करेंगे, ठीक है। ये सारी सूचना मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार फिर से विश्वास हो जाए, ठीक है। अगर नहीं विश्वास अभी भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही वो वाली प्रक्रिया पूरी हो जाती है, शीघ्र परिणाम आने वाले हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपकी 40,000 प्लस वैकेंसी फिर से आएगी, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत पहले ही भी पता है लेकिन फिर भी आप लोग अभी यकीन नहीं, ये तो डायरेक्ट हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला है। बाकी आप लोगों को अगर भरोसा नहीं तो उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, ये खबर, ये दूसरी खबर थी, ये क्या नाम, प्रयागराज से भारत समाचार, जल्द होगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियां, 45,000 सिपाहियों पर फिर से होगी भर्ती। भाई जब भी कोई सूचना मिलती है या फिर इधर उधर डाइवर्ट होती है, जाती है सूचना, तभी ये लोग भी कोई सूचना को छापते हैं, ठीक है। तो जब डायरेक्ट कह दिया है तो फिर भाई सूचना है तो हर जगह प्रसारण हो ही चुकी है, ठीक है। तो ये भी खबर थी आप लोगों की, जो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, 45,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, प्रदेश में सुरक्षा बल का ढांचा और मजबूत होगा, 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती को भेजा अध्याचन। तो भेजा अध्याचन भेजा जा चुका है लेकिन हमें कैसे पता है कि यहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है ना, जैसे हमें नहीं पता वैसे आपको भी नहीं पता। तो हमें कुछ सूचनाएं मिली है उसी माध्यम से मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों को पूरा विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए, भर्ती बोर्ड तो है नहीं कि हाँ हर चीज की क्लियर मैं बता दूं कि हाँ इस तारीख को आएगी, इतनी तारीख को करवा देंगे, ये सब कुछ है ना। अब आप लोगों को यही लगता होगा, चलिए कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कौन क्या सोचता है, ठीक है। दूसरी सूचना हमारे पास, ठीक है, दूसरी क्या है, देखिए, जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, मुख्यमंत्री योगी ने घोषणा, 60,000 की को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू की जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। तो इसकी भी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ठीक। तो ये भी आप लोगों को मैंने पूरी सूचना, ये सब आप लोग सूचनाएं देख चुके होंगे जो भी आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया पढ़ी, प्रदेश को मिले, ठीक है, 74 नए डीएसपी, 40 करोड़, ये सब सूचना छोड़ो, बाकी यहाँ पे जो लिखा है मुख्यमंत्री आगे उन्होंने रोजगार मिले विपक्ष को लेकर खड़ा करने के साथ ही नए, ठीक है, ये सारी सूचनाएं आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरी और कोई सूचना, एक और सूचना देख लो, जल्द होगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियां, ठीक है। ये भी आप देख पा रहे होंगे, 45,000 सिपाहियों के अलावा, ठीक है, 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती को भेजा अध्याचन। तो यहाँ पे भी देखो अध्याचन भेजा जा चुका है, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अलग है, ठीक है। प्रयागराज सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं को आने वाले दिनों में बेहतर अवसर मिलने जा रहा है, अलग अलग संस्थाओं की ओर से 1.5 लाख से अधिक पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। रोजगार मेले में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि सिपाही में 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है, जल्द ही परिणाम घोषित होंगे, और प्रदेश में सुरक्षा का ढांचा मजबूत होने के लिए इसमें सिपाही 45,000 पदों पर फिर से भर्ती होने
जा रही है, इसकी तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अध्याचल में सेवा ने आयोग की ओर से 40,000 से भर्तियों की पूरी पारदर्शिता के साथ वो 40,000 अधिक पदों पर नियुक्ति की गई है। आने वाले दिनों में 40,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, इसके लिए अध्याचन भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा आयोग के चयन आयोग का भी गठन हो चुका है। देखो, शिक्षा आयोग और चयन आयोग का भी गठन हो चुका है। आयोग में भी 60,000 भर्तियां इंतजार कर रही है। इन पदों पर भी जल्द भर्तियां होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अन्य संस्थाओं की ओर से हजारों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। पूर्व की सरकारों की तरह जातिवाद क्षेत्रवाद हावी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि नकल बाकी सब चीजें आप लोग समझ सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये भी खबर आप लोगों ने देख ली। अब मैं आप लोगों को खबर के मुताबिक उसके बाद अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन कौन भर सकता फॉर्म और क्या क्या योग्यताएं इसमें होती हैं, और जितने भी नए युवा रेडी हो चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप भी अब तैयारी कर सकते हैं और आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं यूपी में, वो भी पुलिस की नौकरी। आप लोग समझ सकते हैं और कितने लोगों की पसंद होती है यूपी पुलिस, है ना। तो जिन लोगों की पसंद है यूपी पुलिस, वो लोग बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो वीडियो में सारी चीजें जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखिए, चलिए, तो कुल मिला के आप लोगों के सारे कमेंट हैं, जो आप लोगों का कहना क्वेश्चन है, सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या लगभग 40,000 प्लस होगी। ठीक है, अब सभी को डाउट इसमें यह है कि इसमें सिविल पुलिस भी होगी या पीएसी होगी। तो 100% जो कंफर्म है, वो चीज की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो 100% कंफर्म है वो है पीएसी। ठीक है, पीएसी की, क्योंकि इस बार नहीं हुई थी जेल वार्डर, क्योंकि जेल वार्डर की बहुत कमी है। उसके बाद फायरमैन, ठीक है, इन लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा सख्त है और इनकी तो भर्ती 100% कंफर्म है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। दूसरी दूसरी चीजें, ये तो आप लोगों को 40,000 प्लस पद होंगे। ठीक, अब रही बात योग्यता क्या होगी, तो योग्यता अभी तक जो चली आई योग्यता इसमें सिर्फ 12th पास होती है। ठीक है, 12th पास, तो अगर आप 12th पास हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब तैयारी कैसे करना है, कैसे करें इस चीज की तैयारी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए, तो दूसरी चीज है आयु सीमा। आयु सीमा अभी तक क्या थी, 18 से 23 वर्ष। ठीक है, तो हो सकता है इसमें आयु सीमा में क्या नाम अभी तक जो रहती है 18 से 23, बाकी 2 साल 3 साल जो छूट अलग से दे दी जाए, मान लो कोविड की वजह से पिछली बार दे दी गई थी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है 18 से 23 वर्ष की चलती है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आयु सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि 23 वर्ष आज के युवा जानते हो 23 वर्ष में तो बेचारे पढ़ने के बाद रेडी हो पाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोग तो 18 में क्या 19-20 में ही इंटर तो फिलहाल हो जाती है, लेकिन तैयारी के लिए लोग लगभग 18 साल के बाद ही निकल पाते हैं, है ना। तो पता ही नहीं लगता कब 23 साल के हो गए, तब तक कोई भर्ती नहीं आई, तो इंतजार करते करते 2-3 साल पता ही नहीं लगती कब चली जाती है। ठीक है, तो जरूरी है कि हाँ इसमें योग्यता और मतलब ये जो आयु सीमा है थोड़ी बढ़ाई जाए। ठीक है, 18 से 25 साल मिनिमम होनी चाहिए, बाकी देखो मिनिमम तो इतनी रहती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को SC ST में SC वालों को 5 साल की छूट होती है, ST वालों को 5 साल की छूट होती है, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट होती है, बाकी बेचारे जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं मिलती है। ठीक है, अब आपको इसमें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उनके लिए छूट नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, क्या कारण है, ये सब तो नहीं पता है। ठीक है, चलिए, जनरल वाले में वो भी आ जाते हैं जो अदर स्टेट से होते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी जनरल में काउंट होते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी था, क्या अदर स्टेट वाले भी तैयारी कर सकते हैं यूपी पुलिस की, बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल इसमें भर्ती हो सकते हैं, चाहे किसी भी आप स्टेट से हैं। ठीक है, चलिए, दूसरी तैयारी कैसे करें ये भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। रही बात हाइट, हाइट आपकी मिनिमम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये है मेल के लिए। ठीक है, मैं सभी की बात करूंगा, दोनों लोगों की। ठीक है, और चेस्ट आपका लगभग, चेस्ट की आप चिंता ही मत करो, चेस्ट तो बाद में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको चेस्ट चाहिए 79 सेंटीमीटर। ठीक है, 79 से 84 होता है, ये 5 सेंटीमीटर फुला के होता है। ठीक है, तो ये चेस्ट होता है योग सिर्फ मेल के लिए। ठीक है, रही बात इसमें रनिंग कितनी होती है, रनिंग होती है 4800 मीटर। ठीक है, 4800 मीटर ये होती है आपको 25 मिनट में। ठीक है, 4800 मीटर होती है कितने मिनट में, 25 मिनट में होती है। ठीक है, कितने मिनट में, 25 मिनट में। ठीक है, तो 4.8 किलोमीटर मान लो चाहे 4800 मीटर मान लो। ठीक है, 4800 मीटर लिखने, 4.8 किलोमीटर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, 4.8 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, चेस्ट 79 और 84 तक, रनिंग 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। रही बात फीमेल के लिए,
तो फीमेल के लिए क्या सुविधा है, फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग आपकी 5 फुट हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी आप लोगों को, ठीक है, दूसरी आप लोगों का क्या नाम हाइट होगी, वजन होना चाहिए इनका, इनका वजन होना चाहिए मिनिमम 40 किलो, 40 किलो वजन। तो वजन की भी आप टेंशन ना करिए क्योंकि वजन तो बढ़ ही जाता है, ठीक है। रनिंग इनकी होती है, इन लोगों की रनिंग होती है मात्र 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर वो होती है 14 मिनट में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को, यहां से आप लोगों को फिजिकल से गुजरना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जो होती है। बाकी आप लोगों को पदों की संख्या तो हमने बताई दी है, लगभग इतनी, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आयु सीमा 18 से 23 रहती। तैयारी कैसे करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगते हैं, कुछ नहीं, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, बाकी आय जाति निवास, मतलब आय के कोई काम नहीं है, निवास और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये चीज भी बता दी। अब रही बात की इसमें तैयारी करने के लिए क्या क्या सिलेबस चाहिए, क्या कैसे कैसे तैयारी करें, तो वो भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो तैयारी करने के लिए आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग, मैथ और GK GS, ठीक है। तो अगर आपने इस हिंदी, ठीक है, तो अगर आपने इस बार पेपर दिया तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी के लगभग कितने, हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 हो सकते हैं, इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद GK GS के लगभग 38 क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार होता है, और इसमें घट बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे से कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब रही बात टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, कितने, 150 क्वेश्चन, ठीक है, और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं, कितने, 300 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक, समझ गए आप। अब लगभग इनमें इसकी तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना जरूरी है, जिससे हम अभी से तैयारी करें तो हम क्या, किस पे डिपेंड रहे ज्यादातर, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग हिंदी, ये फिक्स सिलेबस होता है हिंदी का, कि हिंदी में बस हमें इतना ही पढ़ना है, दूसरा रीजनिंग और तीसरा मैथ, और GK GS एक ऐसा सब्जेक्ट है हम पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं और कहाँ से पूछ दिया जाए, ठीक है, कोई पता नहीं होता है, कि इसीलिए GK GS कभी भी कितना हार्ड बन जाए, कितना इजी बन जाए, कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो सब्जेक्ट है वो क्या ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से तो पूछा ही जाएगा और यही टॉपिक पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक फिक्स होते हैं। तो अगर आप रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर लेते हैं और मैथ की, ठीक है, मैथ के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन हार्ड बनता है, ठीक है। बाकी अगर हिंदी और रीजनिंग में आप अपनी कमांड ले गए तो 50 और 30 भी अगर क्वेश्चन करें, 80 क्वेश्चन तो यहाँ पे आप सही कर सकते हो, तो कुल मिला के आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन की तरफ। 80 क्वेश्चन बनो आप, 50% आपने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में पूरा कर दिया, मतलब आप लग रहे हो कि सिलेक्शन की तरफ पहुंच गए हो, ठीक है, लगभग 80 मिनिमम। बाकी आप लोगों को इस बार जो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो इस बार 100 पे भी बहुत अच्छी खासी कंपटीशन है, ठीक है। तो आप 80 यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से, और ज्यादा नहीं, 2 महीने भी अगर सही से पढ़ लोगे तो यहाँ से 80 क्वेश्चन कवर कर लोगे। बची आपकी मैथ और GK GS, GK GS और मैथ में मतलब लगभग 40-50-60 क्वेश्चन है, 60 में से यहाँ पे भी अगर 30 क्वेश्चन भी कर ले गए तो आपका क्वेश्चन बनते हैं 110, 110 क्वेश्चन कुल मिला के 220 नंबर, 220 नंबर आपका सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका, 100% आपका सिलेक्शन है। लेकिन अब इसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी आपको, तो रीजनिंग की बहुत अच्छे तरीके से, कुछ ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप टॉपिक पूरे पढ़ लीजिए, ठीक है। बची है आपका हिंदी, बाकी आप लोगों को यूपी पुलिस की, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी आप लोगों के लिए यूपी पुलिस की तैयारी करने, जो पिछले पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा हम लोगों से तो समझ सकते होंगे कितना मेहनत आप लोगों की, आप लोगों के लिए की और कितना फंसाया था, ठीक है। तो इसी प्रकार इस भर्ती के लिए भी हम लोग बस रेडी हैं, एक और सूचना कोई छोटी मोटी और आ जाए तुरंत हम लोग अपना क्या नाम बैच स्टार्ट कर देंगे, जो बिल्कुल फ्री आप पोस्ट है, कोई चार्ज नहीं आप लोगों से लिया जाएगा, और दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी प्रक्रिया आती है तुरंत आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग अवेयर हो सके, मतलब तैयार रह सके, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता ही है, बार बार मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल। और दूसरी बात रही, अगर आप हमसे कोई मैसेज पे बात करना चाहें या कोई डाउट है, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इस पे तो डाउट अगर नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें, वहां पे जाके मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी यही है, सुमित नीचे अंडर डैश कुमार डैश फिर यूपी डैश पुलिस, ठीक है? ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? कोई भी अगर आपको दिक्कत कोई भी समस्या है, ठीक है? तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी, कैसी लगी जानकारी वीडियो में जरूर बताना, ठीक है? अंत तक वीडियो को पूरी देखना, ठीक है? नहीं देखी हो तो एक बार नहीं दो बार देख लेना, कैसे करने तैयारी, हर चीज की जानकारी आप लोगों को मैंने अपने माध्यम से देने की कोशिश की। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो तो ये कमेंट में देख के जरूर बताना, ठीक है? कौन कौन रेडी है तैयारी करने के लिए, जल्द ही आप लोगों को बैच अच्छा सा अच्छी खासी 2 महीने के अंदर तैयारी करा दूंगा मैं, गारंटी देता हूँ। कैसे कैसे आपको पढ़ना है हर चीज की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और भी कोई आप लोगों को कोई डाउट कोई भी समस्या तो आप यहाँ जाके मैसेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कमेंट में देने लायक आंसर होगा, मैं कमेंट पे भी आप लोगों को सारे आंसर दे देता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है, ठीक है? तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।